मेटर्स के आज तो खैर बहुत शानदार मूव रहे हैं लेकिन पूरे महीने मेटर्स में शानदार मूव रहे हैं और हो क्या रहा है क्या ग्लोबल क्यूज है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं यतिन से जानते हैं यतिन गुड आफ्टरनून शानदार रैली मेटल्स में बिल्कुल शानदार रैली और ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स पे डिसीजन था उसके बाद एक मेटल इंडेक्स में हमने इन पर्टिकुलर ज़बरदस्त रैली देखी है पी मेटल माइनिंग स्टॉक हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हो चौतरफा हमने तेज़ी देखी है रीज़न क्या है सबसे पहले जो कमोडिटी में रैली आई है फेड के डिसीजन के बाद के अगले साल शायद वो रेट कट के बारे में सोचेंगे उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से रैली आ रही है इंडिया की बात करें एज अ कंट्री तो रेयर अर्थ मिनरल से लेके लिथियम माइनिंग एक्वायरिंग की बातें चल रही हैं अर्जेंटीना में पाँच माइनिंग ब्लॉक के एलोकेशन की बातें चल रही हैं मीडिया में तो ये भी एक न्यूज़ है जहां सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट ऐसे भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल ब्लॉक्स और लिथियम ब्लॉक्स ऑक्शन करने वाली है जो एक की ट्रिगर हो सकता है काफ़ी सारी डोमेस्टिक माइनिंग कंपनीज़ के लिए इसके अलावा आज ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि कॉपर की शॉर्टेज हो सकती है अगले दो तीन सालों में क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें या एच यानी जो हॉट रोल्ड कॉइल है स्टील की यहाँ हमने आठ परसेंट मूव देखा है अगले पिछले दो महीनों में तो स्ट्रॉन्ग ओवरऑल क्यूज है चाहे वो आयरन और फ्यूचर्स हों चाहे वो स्टील हो चाहे वो, वो रेरथ मिनरल्स हो सब जगह से आपको न्यूज़ आती हुई दिखाई पड़ रही है आरसेल मित्तल की बात करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेटल स्टील uh, कंपनी है ग्लोबली uh, इनका भी एक रिसेंटली इन्वेस्टर कॉल हुआ था जहां उन्होंने कहा था कि यूरोप और यूएस मार्केट्स में आपको रिकवरी होती भी दिखाई पड़ रही है और अगर डिमांड ट्रेंड यहां से मिक्सड रहा फिर भी आपको मार्जिन में अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी माइनिंग uh, और मेटल कंपनीज गाइडेंस अपना सुधार रही हैं वन टू डेट रिटर्न की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर का शेयर एक महीने में ही इस दिसंबर के महीने में ही चौवन चला है नाल को छत्तीस ऊपर सेल 32 परसेंट ऊपर मुझे याद नहीं है एक महीने में 32 परसेंट कब सेल चला था ऐसे सब मार्केट में जहां स्टील प्राइसिस नीचे हों एनएमडीसी में चौदह की रैली आपने देखी है प्राइवेट कंपनी में हिंडालको में अठारह का रिटर्न है शाम मेटल्स चौतीस भागा है जेएसपीएल बारह भागा है और शेयर्स ही नहीं कमोडिटी के प्राइजेज में भी अच्छा आपने उछाल देखा तो 5 है, है, है तो कॉपर पांच परसेंट ऊपर है इस महीने आयरन और छः परसेंट ऊपर है अल्यूमिनियम आठ परसेंट ऊपर है तो अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है कि फिर से एक बार

चैनल पे शाम मेटेलिक्स का स्टॉक भी रिकमेंड किया था करीब फोर एटी के आसपास था वो स्टॉक आज सिक्स ट्वेंटी फाइव के आसपास है तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली और अगर से मैं लार्ज कैप में देखूं तो मुझे लगता है कि इसमें टाटा स्टील एक बहुत ही बढ़िया प्ले नजर आ रहा है और क्योंकि जैसे अभी यति ने समझाया कि किस तरह से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का भी बेनिफिट हमें मिलेगा साथ ही साथ जो स्प्रेड्स है चाइना और इंडिया का वो स्प्रेड भी कहीं ना कहीं आपके कम होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डंप हमारे यहाँ पे हो रहा था उसके पर भी एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगने की कहीं ना कहीं गुजारिश जो है वो इंडियन प्लेयर्स गवर्नमेंट से कर रहे हैं और उसके अंदर में भी कोई एक पॉजिटिव अगर से कोई स्टेप आता है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट मेटल कंपनीज के लिए रहेगा साथ ही साथ डिमांड साइड पे आप देखिए उन्नीस